मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसटी क्लास ऑफ 6. चिल्ड्रन, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ हिस्ट्री, एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज द फर्स्ट एम्पायर एंड अशोका. सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज अबाउट द मौर्यन एम्पायर एंड द वेरियस एम्परर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर. We studied about the Mauryan empires like Ashoka and Bindusara. Okay, now in today's video, I will be proceeding further topic, that is the Kalinga War. Okay, so let's get started. Okay, children. So everybody open page number 58. Okay, so the Kalinga War. War means youth. Okay. तो आज हम पढ़ेंगे कलिंग युद्ध के बारे में. When it occurred, why it occurred, and it occurred between whom? किसमें हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? The Mauryan Empire was at its peak when Ashoka was the emperor. तो Mauryan Empire अपने पीक टाइम पे था, कब? जब अशोका एम्परर था. But Kalinga was the only kingdom which was not under the Mauryan control. लेकिन कलिंग ही ऐसा राज्य था जो कि मौर्यन के कंट्रोल में नहीं था. Kalinga was an independent kingdom which had a flourishing trade. और Kalinga एक independent kingdom था, एक स्वतंत्र राज्य था जो कि जहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड, व्यापार फल फूल रहा था. It was important because it controlled the land and sea routes to South India and Southeast Asia. और कलिंगा क्यों important था? क्योंकि ये क्या करता था? जितने भी land और sea routes होते थे South India और Southeast Asia में, वहाँ सारे जगह व्यापार करता था. अशोका fought a war to conquer Kalinga. और अशोका ने क्या किया? युद्ध किया, कलिंगा के ऊपर चढ़ाई कर दी. To conquer Kalinga, conquer means जीतना, कलिंग को जीतने के लिए. However, after seeing the violence and the bloodshed, he decided to give up wars. और जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो चारों तरफ violence मतलब क्या? हिंसा, okay? And bloodshed means everywhere there was blood. People were fighting it with each other and lot of people died. After seeing all this, इतना सब देखने के बाद अशोका ने क्या डिसाइड किया? He decided to give up the war. उसने युद्ध करने का निर्णय छोड़ दिया. Now, next is अशोका's धम्मा. धम्मा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हिंदी में धर्मा, धर्म. Okay? The word धम्मा is equivalent to the संस्कृत word धर्मा. तो जो धम्मा वर्ड है वो इक्विवेलेंट, लगभग बराबर है, क्योंकि संस्कृत में वर्ड होता है धर्मा, धर्म, अधर्म. ओके, लाइक दैट. Dhamma is a Pali word which means religious duty. Dhamma एक Pali शब्द है जिसका मतलब होता है religious duty. Duty मतलब कर्तव्य, जो कि हम करते हैं. And religious means धार्मिक, related to religion. Okay? Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. और जो अशोका का धम्मा था उसमें क्या था कि ईश्वर की पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा वर्जित थी. एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस, कोई भी सेक्रीफाइस बलि नहीं देगा जानवरों की. ही फेल्ट दैट ही इज एन एम्परर, सो ही मस्ट इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स लाइक ए फादर हु ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन अ मॉरल कोड. तो एज ए किंग वो सोचता था कि जो उसके सब्जेक्ट्स हैं यानी कि प्रजा है, उनको वो मॉरल, नैतिक वैल्यू सिखाए, जैसे कि एक पापा अपने बच्चों को सिखाता है. इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. और जो ये धम्मा की टीचिंग्स थी वो बुद्धा से इंस्पायर्ड थी. अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हु वर नोन एज द धम्मा महात्मा. और अशोका ने कुछ ऑफिशियल्स, लोगों को अपॉइंट किया जो धम्मा के बारे में लोगों को उपदेश देते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? धम्मा महामता. ठीक. दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा. और वो अलग अलग जगह जाते थे और लोगों को धम्मा यानी धर्म के बारे में बताते थे. थ्रू धम्मा अशोका वॉन्टेड टू इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, को एग्जिस्टेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इन द पीपल. और धम्मा के
थ्रू वो लोगों को बताना चाहते थे कि लोग अपने अंदर टॉलरेंस यानी सहन शक्ति लाएं, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा लाएं, को एग्जिस्टेंस एंड रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, साथ में एक दूसरे के साथ मिलके और अपने बड़ों की इज्जत करें। ठीक, ही आस्क्ड पीपल टू, उन्होंने पीपल से रिक्वेस्ट किया कि वो क्या क्या करें, फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा, अहिंसा के रास्ते पे चले, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोले, रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स वेदर इट इज हिंदुइज्म, जैनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, एंड ओबे द एल्डर्स। ठीक, देन प्रैक्टिस चैरिटी टूवर्ड्स द पुअर, जो लोग पुअर हैं उनको दान दीजिए, बी काइंड टू ऑल इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, जो अगर आपके पास कोई सर्वेंट्स हैं या स्लेव्स हैं उनके साथ बहुत ही काइंड बिहेवियर रखिए, एंड लिव टुगेदर पीसफुली, और मिलजुल के रहिए। ओके, अशोका इशूड मेनी रॉक एडिक्ट्स एज वेल एज पिलर एडिक्ट्स ऑन विच ही इनग्रेव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म। तो अशोका ने कई रॉक एडिक्ट्स मतलब पत्थरों पे लिखे, मतलब पत्थर शिला, ठीक है, ऐसा इंस्क्रिप्शन जो कि पत्थरों पे लिखा जाता है उसे हम रॉक एडिक्ट्स कहते हैं। तो उसमें कई प्रिंसिपल्स थी धम्मा की लिखी हुई थी। वॉट एवर रिफॉर्म्स ही कैरीड आउट एंड मॉरल प्रिंसिपल्स ही इनकरेज्ड, ही इनग्रेव्ड देम ऑन 14 रॉक एडिक्ट्स एंड 7 पिलर एडिक्ट्स। तो जितना भी उन्होंने धम्मा के बारे में पढ़ाया और लोगों को उसका ज्ञान देते थे तो उन्होंने उसको इनग्रेव कर दिया, लिखवा दिया, किस पे, 14 रॉक एडिक्ट्स। कितने रॉक एडिक्ट्स थे, 14 रॉक्स पे लिखवाया एंड 7 पिलर्स एडिक्ट्स पे लिखवाया। ठीक, द स्क्रिप्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स इज ब्राह्मी एंड इट इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, और जो इस लैंग्वेज में लिखा जाता था वो कौन सा लैंग्वेज था, प्राकृत। ओके, मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स वेर प्लेस्ड इन पब्लिक प्लेसेस, जो भी ये पत्थरों पे लिखे जाते थे एडिक्ट्स, हाँ, तो ये पब्लिक प्लेसेस में लिखे जाते थे, पब्लिक प्लेस में रखे जाते थे ताकि लोग उनको पढ़ सके और अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सके। इन मार्केट्स और टेम्पल्स वेर लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन्स गैदर्ड, ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स, और साथ ही साथ उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट भी किया था कि सपोज जो अनपढ़ है नहीं पढ़ सकते तो उनको वो पढ़ के वो क्या करें, सुनाए। ओके, These edicts were found in India, Nepal, Afghanistan and Pakistan. और ये सब edicts कहाँ पाए गए? India, Nepal, Pakistan and Afghanistan. To propagate Dhamma in distant lands like Sri Lanka, Egypt, Syria and Greece, Ashoka sent his trained messengers. और अपने धम्मा के प्रचार को दूसरे countries जैसे कि श्रीलंका, Egypt, Syria और ग्रीस में बढ़ाने के लिए उन्होंने कई अपने मैसेंजर भेजे ताकि वो जाके वहां पे अपने धम्मा का प्रचार कर सके। ओके, अशोका स्प्रेड हिज मैसेजेस टू अदर किंग्स एज वेल एंड सॉट टू बीफ्रेंड देम, और अशोका ने क्या किया, ये मैसेज आसपास के किंग को भी बताया ताकि जो लोग उससे बीफ्रेंड है मतलब उनके एनिमी है वो भी क्या हो जाए, उसके फ्रेंड्स हो जाए। His envoys traveled with his messages to Egypt, Greece, Sri Lanka and Turkey. और जो भी उनके धम्मा के संदेश थे वो अलग अलग देश में उनके संदेश वाहक जो थे लेके जाते थे। Ashoka became a follower of Buddhism. Ashoka क्या हो गए, Buddhism के follower हो गए। He followed Buddhism religion. He provided all help to the Buddhist Sangha. और जो Buddhist Sangha था जहाँ पे monks रहते थे वो उनको क्या करता था, help करता था financially. Okay? He also visited Buddha's birthplace called Lumbini Vana. ठीक, और वो जो Buddha का birth place है Lumbini वहाँ पे भी गए जो कि अभी present day Nepal में है. Okay? In spite of being a follower of Buddhism, Ashoka extended his support to other faiths. हालांकि वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे लेकिन वो अदर रिलीजन्स का भी क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, उनमें भी उनका विश्वास था। He repeatedly made his subjects realize the need to understand the teachings of all religions. और उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि प्रजा है उनको ये सब चीजें उनके अंदर लाए ताकि उनकी लाइफ एक अच्छी वेल सेटल हो जाए। सो टुडेज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1,
What does the word Dhamma mean? Okay, question number second. Name the officials appointed by Ashoka for the teaching of Dhamma. Then question number third. Name the birthplace of Buddha. Question number four is, name the places where Ashoka sent his trained messengers to propagate Dhamma. And question number five is, Ashoka was the follower of which religion? Okay, children. So, that's all for today. And these question answers you have to write in your homework copy in a neat and clean handwriting. Okay. And apart from that, please go through the chapter, read the chapter thoroughly and underline it, the hard words, and learn and write all the key terms of the chapter. Okay. In our next upcoming video, we will be studying about the welfare measures and administration of the Ashokan Empire. Okay. So that's all for today. Take care of yourself, students. Thank you and have a good day.